ये समाज के द्वारा दी हुई दो रोटी खा करके मैं समाज का ऋणी हो जाता हूं, इसीलिए अपनी ड्यूटी निभाता हूं और ड्यूटी को ब्यूटी बनाना ये तरुण सागर को अच्छी तरह से आता है। गुजारिश प्रार्थना निवेदन आह्वान करता हूं मैं समाज से, अपनी बात आपके बीच में रखता हूं, लोगों के बीच में रखता हूं, और जब रखता हूं तो पूरी तरह से रखता हूं। आपने मुझे यहां बुलाया है इसलिए मैं आया हूं, 10 बार बुलाया तब मैं आया हूं, और 1 बार भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहां से चला जाऊंगा। बुलाया है तो सुनना तो पड़ेगा, बुलाया है मेहमान को, बुलाया है तो मेहमान की 2 बातें तो सुनना पड़ेगी। आपसे निवेदन सिर्फ इतना से है, अपने आप अपने घर को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, पैसा कमाने में इतना गफलत मत हो जाइए कि आपकी असली संपत्ति जो औलाद है वो आपके हाथ से निकल जाए। असली दौलत तो वही है ना, असली दौलत तो वही है। और मैं लोगों से अपील भी करता हूं, भाई लोगों से अपील करता हूं कि आपने जो गाड़ी मेहनत से कमाई की है वो कमाई घर आकर के पत्नी के हाथ में रख देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो तो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। जो तिजोरी, जो लक्ष्मी तिजोरी में बंद है वो पता नहीं कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, पर ये लक्ष्मी तो आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाने वाली है। इसलिए असली लक्ष्मी यही है। जो भाई बाजार की लक्ष्मी से शराब पीता है और घर में बैठी हुई लक्ष्मी का अपमान करता है, गाली गलौज करता है, उसके साथ मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, याद रखना उस घर से दोनों लक्ष्मी बाहर हो जाती है। तिजोरी की लक्ष्मी तो पीछे के दरवाजे से बाहर हो जाती है और घर की लक्ष्मी सामने के दरवाजे से बाहर हो जाती है।